नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय भारत रत्न का सीजन चल रहा है और सीजन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि हाल में आपने देखा है कि महज 19 से 20 दिन के अंदर मोदी सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। शुरुआत इसकी की थी कर्पूरी ठाकुर और एल के आडवाणी से, और उसके बाद भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, एम एस स्वामीनाथन और पी वी नरसिम्ह राव को। लेकिन जो आज बात करनी है वो ये है कि किसानों का आंदोलन 13 फरवरी से फिर से शुरू हो रहा है। जाटों में एक खास किस्म का गुस्सा है क्योंकि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ऐसा लग रहा है कि अब वो बीजेपी के तरफ नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद अब वो बीजेपी में जाने का उन्होंने मन बना लिया है। भारत रत्न अनाउंस होने के बाद जयंत चौधरी ने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर बोला कि मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो चौधरी चरण सिंह जैसे धरती पुत्र को भारत रत्न दे सकती थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की जो कार्यशैली है उसमें चौधरी चरण सिंह की झलक मिलती है। अब इस पूरे मसले पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद एक बहुत बड़े जाट नेता जो कि पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जो पहला सवाल है कि पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो स्वागत योग्य है और वो वेल डिजर्विंग थे और आज से पहले मिल जाना चाहिए था उनको भारत रत्न जी। हम तो बहुत दिनों से मांग करते रहे। लेकिन आपने चौधरी चरण सिंह के साथ एक बहुत लंबे अरसे तक काम किया, अरसा से आपने काम किया। लेकिन जब जयंत चौधरी सदन के अंदर खड़े होकर ये बोलते हैं कि जब मोदी सरकार जब शौचालयों की बात करती है या महिला सशक्तिकरण को मंच देती है उसमें चौधरी चरण सिंह की झलक या कार्यशैली जो मोदी सरकार की है उसमें चौधरी चरण सिंह की झलक मिलती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है, हम तो जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना रखते थे। मैं उनको बहुत सपोर्ट करता था कल तक। उन्होंने आराम की और ऐश की राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया जिसकी उन्हें, अगर वो थोड़ा भी संघर्ष करते तो बहुत दूर तक जा सकते थे। मैं अभी भी कहूँगा कि देर नहीं हुई है, जयंत को पलट जाना चाहिए। क्योंकि चरण सिंह जी को ये क्या दिया है, भारत रत्न देना कोई मेहरबानी नहीं है, वो डिजर्विंग थे और जितने और लोगों को मिला है वो उनसे कम डिजर्विंग है। तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया है ना कम्युनिटी पे ना जयंत पे। तो जयंत को ये नहीं लाइन लेनी चाहिए, जयंत को संघर्ष का रास्ता, वो जवान है अभी, उनके पास समय है और हम सब उनको मदद करेंगे। वो किसी दिन कई स्टेट के नेता बनेंगे, वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि छोटे मोटे लालच या आराम में ना जाएं। लेकिन कैसा लालच, आप किस तरीके के लालच की आप बात कर रहे हैं? बेसिकली ये जो सीटों के लिए नई जनरेशन के जो लड़के हैं ये संघर्ष नहीं करना चाहते, ये आराम से रहना चाहते हैं। इनको बनी बनाई सरकारें मिल जाएं, उसमें एक मंत्री बन जाएं, ये बस, दैट्स ऑल। तो आपको क्या लगता है कि जयंत ने किस वजह से या किस ऑब्जेक्टिव से एनडीए का हाथ थामा? जयंत ने संघर्ष के रास्ते को छोड़ने के लिए, वो संघर्ष करना नहीं चाहते थे। अगर वो संघर्ष करते तो उसके पास तो इतना बड़ा मैदान था चरण सिंह का, उसको पास बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, अब तो वो एक सीट का होके रह जाएगा। लेकिन बीजेपी ने तो कहा था कि इनको 4 सीटें आरएलडी को देंगे। वो तो चरण सिंह का जो एक तरह से एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो तो 50 सीट का है, 4 सीट में क्या करेगा, 4 सीट में वो हरवा ओढ़ देंगे इनको दो। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को बीजेपी अब खत्म कर देगी? खत्म कर, बीजेपी का ये इतिहास है, वो जिसको साथ लेती है खत्म करती है। जयंत तो कोई चीज ही नहीं, उनको तो खत्म कर ही देगी। जयंत अगर खड़े रहते तो बहुत दूर तक जाने की संभावनाएं थी। और मैं अब भी उनको कहूंगा कि हमको तो कोई राजनीति नहीं करनी है लेकिन मैं पूरी ताकत लगा के उनकी मदद करूंगा, वो इसमें ना जाए। लेकिन सर, आप कुछ भी कहें लेकिन जयंत चौधरी ने तो कल मोदी सरकार के कसीदे इस तरह से गढ़े। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो ज़मीनी सरकार है जो ज़मीनों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझती है। तो अगर जयंत चौधरी इस बात को सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, हाँ तो अब उनसे अब कोई उम्मीद नहीं। वजह यही है कि उनको उधर जाना है, आराम के लिए जाना है, संघर्ष नहीं करना, इसलिए जाना है। लेकिन जयंत चौधरी का एनडीए ज्वाइन कर लेना
इसका क्या असर आप देखते हैं जाटों के ऊपर? कहा जा रहा है कि जाटों में बड़ा गुस्सा, जाटों में नाराज, जाटों का जो वोट है उनकी तरफ चला जाएगा? नहीं, जाट इतनी जल्दी किसी की तरफ नहीं जाते हैं। मुझे कल से कम 100 फोन आए होंगे और सब ने कहा साहब ना कटवा दी, गलत कर दिया। जाटों को अपनी एक पार्टी चाहिए, वो संघर्ष करके अपनी पार्टी चलाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा जयंत का ये कदम। लेकिन क्या इसको आप चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न से मत जोड़िए? वो तो होना ही था, वो डिजर्विंग थे, हो गया, थैंक यू वेरी मच जो जिसने भी दिया है, लेकिन उससे आप पूरा किसान राजनीति को बेच दें उसके लिए वो गलत है। लेकिन कल तो जयंत ने ये बोला ना कि हम लेफ्ट राइट सेंटर में अगर बढ़ जाएंगे तो इतने बड़े धरती पुत्र के साथ फिर हम वो नहीं जस्टिस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको गलत, वो गलत बोला, जोड़ने से हमें नहीं देखना। मिसगाइडेड हैं जयंत और उनको इस अभी भी समय है, इससे निकल आना चाहिए। लेकिन कौन मिसगाइड कर रहा है? हैं कुछ फोर्सेस, में नाम नहीं लूंगा, उसमें एक दो लोग तो हैं जो जयंत के कंधे पे बैठ के राज्यसभा जाना चाहते हैं, आपको मैं प्राइवेटली बता दूंगा। तो वो अकल मार देते हैं नेताओं की, फिर समझाते हैं इसमें आराम है, इसमें पैसा है, इसमें मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। चौधरी चरण सिंह को जब भी वो कुछ बने, कांग्रेस ने बनवाया, 60 एमपी थे उनके और मिसेस गांधी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया था सपोर्ट दे के। बीजेपी ने तो उनको मुरारजी के यहाँ से बर्खास्त कराया था, बीजेपी ने कभी चरण सिंह जी की मदद नहीं की। ये आप किस वर्ष की बात बता रहे हैं? ये 80 की। तो 80 में बीजेपी ने ही चौधरी चरण सिंह को बाहर करवाया, बाहर कराया था। और चौधरी साहब ने मुझे खुद कहा था कि बीजेपी के बेईमानों ने मुझे बाहर कराया। फिर चौधरी साहब ने मुझे कौन कहा, लोग थे उस समय बीजेपी में? ये थे सब जो बड़े लोग थे, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मिसेस गांधी को मेरे यहाँ चाय पे ले आओ, तो ये डर जाएंगे, मुझे वापस ले लेंगे मुरारजी, जब निकाल रखा था। तो मैंने पूछा उपलक्ष क्या होगा, तो उन्होंने कहा अजीत सिंह के यहाँ लड़का हुआ अमेरिका में, उसके सिलसिले मैं मिसेस गांधी को लेके गया उनके यहाँ, उसका फोटो है मेरे पास। उसके बाद उनको वापस बुला के डिप्टी उसको वो बनाया होम मिनिस्टर। लेकिन आज क्या बीजेपी पूरा दिखावा कर रही है चौधरी चरण सिंह पर? बीजेपी एंटी चरण सिंह, बीजेपी पूरे समय चरण सिंह के खिलाफ रही है, और आज तो वो एक जो चरण सिंह के नाम पे जो कुछ बचा खुचा है उसको खत्म करने की साजिश में है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो उनकी पूरी लेगेसी है उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उसको खत्म करके क्या हासिल करेगी बीजेपी? भाई उनको लगता है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं। मैं बैठा हूँ अभी, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं डट के किसान पॉलिटिक्स और जाट पॉलिटिक्स करूंगा इनके खिलाफ। लेकिन कल जब सदन में जयंत चौधरी बोल रहे थे तो जयंत चौधरी ने ये कहा कि भारत रत्न जब चौधरी चरण सिंह को दिया गया है तो उससे अब उनकी लेगेसी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, इस बात को उन्होंने सदन के अंदर कहा। तो गलती पे हैं, देखिएगा 10 दिन में वो रोते हुए मिलेंगे आपको। इतना विरोध है जाटों में, दोनों चीज़ों को जोड़े नहीं। वो चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पे तो जाट गुड़ बांट देंगे, लेकिन जयंत के पार्टी छोड़ने पे या पार्टी को ख़त्म करने पे नहीं बांटेंगे। कुछ रिपोर्टर्स से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से कौन सा एहसान कर दिया, नरसिंह राव पे नहीं किया, वो नहीं बनाए, स्वामीनाथन बनाए, क्या एहसान कर दिया तुम पे? तुम कहो कि इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। उन्होंने तो बोला कि ऐसा लगा, कई लोगों ने ये भी कहा कि क्या जयंत ने ये कंडीशन रखी थी कि उनके दादाजी को यानी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा और उसी शर्त पर वो बीजेपी में जाएंगे? या वो तो बीजेपी में गए हुए थे, जयंत बिल्कुल हताश निराश और आराम पसंद राजनीति में चले गए थे। लेकिन आप लोग तो उनके संपर्क में भी थे, लगातार आप लोग उनसे बात कर रहे थे, आप जाट नेताओं के संपर्क में भी थे, तो क्या आपको जयंत के इस मूव की भनक नहीं लगी? पता था, सबने कहा भी, लेकिन लालच जब वो है ना कि उसकी एक मैथिली शरण का है कि उन्हें उनका है, जब नाश किसी पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो इनका वो ही हुआ था। लेकिन कौन गाइड कर रहा है, मिस गाइड कर रहा है जयंत को? अब मैं आपको प्राइवेटली बताऊंगा जो करने में, उसको रिपोर्ट रिकॉर्ड पे नहीं बोलना चाहता। देर आर सम पीपल जो कर रहे हैं, तो आपको लगता है इसका सत्यानाश कर देंगे? और मैं इसको अभी भी ऑफर कर रहा हूँ, मत जाओ, हम पूरी ज़िंदगी लगा देंगे तुम्हारे लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जयंत के लिए मैं बहुत मदद करने के लिए तैयार था। जयंत से आपका कैसा रिश्ता था? बहुत अच्छा, मेरे यहाँ तो आए थे,
एक महीना पहले और बोले कि आप बागपत से पार्लियामेंट लड़ लो। मैं कहा जयंत मुझे तो कहीं नहीं लड़ना है, पर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और मैं पब्लिकली बोलता था कि मैं जयंत के लिए इलेक्शन में काम करूंगा। मुझे बहुत निराशा हुई। लेकिन आज जाटों में काफी गुस्सा है, आप इस चीज को लेके कह रहे हैं जी। तो लोग जयंत के साथ जाएंगे या जाट पलट कर अब इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? जयंत के साथ जाट कहीं लोकली पॉकेट में चला जाएगा, जाट बीजेपी सरकार के खिलाफ रहेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जयंत का ज्यादा जनाधार है नहीं? नहीं 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 है। कितनी नहीं। सीटों पर आपको लगता है कि मैक्सिमम 2-3 सीटों पर, उन पे भी नहीं। देखिए पश्चिम की जो सीटें उनकी ऐसी बनावट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ, जयंत अगर खुद बागपत पार्लियामेंट लड़े तो नहीं जीतेंगे, क्योंकि सब जगह 3-3, 4-4 लाख मुसलमान वोट है जो इनको नहीं मिलेगा। यानी कि जयंत का आप कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी लोकसभा तो जयंत आप बांध के ले जाइए, लड़ेगा ही नहीं। वो जानता है कि वो हार जाएगा, वो तो राज्यसभा की सौदेबाजी रखेगा जैसी उससे मुलायम सिंह के लड़के से रखी थी। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, आपने खुद भी कहा कि उनको ऐशो आराम पसंद है, उनको ये लगा कि उनको मिनिस्ट्री एक कोई मिल जाएगी, मिल जाएगा, इसी लालच में वो चले गए। लेकिन इस सौदेबाजी को आप क्या कहेंगे? ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। देखिए हम राजनीति में जब आए थे एक एमपी आता था समाजवादी पार्टी का, लोहिया का एक या दो एमपी, लोहिया खुद पूरी जिंदगी एक बार सिर्फ एमपी बने, लेकिन पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल दी। दो धोती कुर्ता होता था उन पे, 4 किताबें होती थी और पूरे देश को बदल दिया था उसने। लेकिन आप ये देखिए कि जो भारत रत्न जिस तरीके से अनाउंस किया गया है, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, एम एस स्वामीनाथन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना काम किया, किया पर एम एस स्वामीनाथन की जो सिफारिशें उन्हें तो नहीं मान रहे ये, उसको भारत रत्न दे दिया, लेकिन एमएसपी की सिफारिश तो एम एस स्वामीनाथन की थी, उसे तो नहीं मान रहे आज भी। नहीं तो स्वामीनाथन के फॉर्मूले को अपनाया नहीं बीजेपी ने, लेकिन उन्होंने उनको भारत रत्न दे दिया। बस भारत से बीजेपी क्या हासिल करने की कोशिश कर? ये लोगों को बेवकूफ बनाने की। लेकिन क्या इसलिए भी किया है कि किसानों का जो विरोध है, किसानों का विरोध को दबाने बढ़ भी रहा था, 13 तारीख को लोग आ रहे हैं, उनका झगड़ा होने वाला है कल तक। तो ये बीजेपी की जो पॉलिटिक्स ऑफ ऑनर है, तरीके से इसको कहेंगे कि भाई आपने भारत रत्न का इस्तेमाल अब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने गठबंधन को और बड़ा कर सकें। कर्पूरी ठाकुर से आपने नीतीश कुमार को खींचा, आपने चौधरी चरण सिंह को दे दिया तो आपके पास आरएलडी के मुखिया जयंत सिंह आ गए। तो ये भारत रत्न का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? मिसयूज है ये, इनकी कोई श्रद्धा नहीं है उनमें जिनको भारत रत्न दिया है। लेकिन जयंत के बारे में मैं जयंत के वापस आऊंगी, क्योंकि जयंत को लेकर इस समय बहुत पोलराइज्ड व्यूज हैं। कुछ लोग जयंत का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जयंत के पक्ष में भी बोल रहे हैं। लेकिन जयंत के इस एटीट्यूड पे आप क्या कहेंगे? आपको गुस्सा है, आपको निराशा है मुझको, क्योंकि मैं उसका वेल विशर हूँ और था, और मैं चाहता था कि लड़का बढ़े। इसके पास चौधरी चरण सिंह की थाती थी तो ये दूर तक जा सकता था। कौन? लेकिन आपने एक्सपेक्ट किया था, आपने एक्सपेक्ट किया था कि जयंत इस तरीके से पलटी मार लेंगे? मुझे बहुत दिन से अंदाज था, कुछ लोग इस पे काम कर रहे थे, मैं आपको प्राइवेटली बताऊंगा। लेकिन आपको याद होगा कि जयंत ने एक कमेंट दिया था और वो बहुत वायरल भी हुआ, उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूँ कि मैं पलट जाऊंगा। अभी कहा था, ज्यादा देर नहीं हुई, 1 महीना पहले। तो अब क्या साबित कर दिया उन्होंने? चवन्नी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने साबित कर दिया कि जयंत चवन्नी है? अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उनको लालचवश वो अगर वहां चले गए हैं, तो फिर अगर वो लालच मोदी जी ने दी है या मोदी सरकार द्वारा उनको जिस भी प्रतिनिधि ने लालच दिया है, तो कोई बड़ा लालच दिया होगा तभी वो कुछ गए, नहीं तो क्यों वापस पड़े? आराम पसंद राजनीति का है कि चलो तुम्हें मंत्री बना देंगे बस। लेकिन मोदी सरकार के लिए बार बार इस बात को उन्होंने कहा कि देखिए वो जमीनी सरकार है। कोई जमीनी सरकार नहीं है। जयंत ने शौचालयों का जिक्र किया, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की और कहा कि देखिए ये तो जयंत चौधरी की झलक हमें मिलती है इसमें, तो इस पर क्या कहेंगे? ये मिसगाइडेड ओपिनियन है उनकी। उन्होंने इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं है जो जमीनी हो, भाई अडानी की सरकार है बेसिकली, इसमें कहां जमीनी हो गया? एमएसपी इसलिए लागू नहीं हो रहा कि अडानी नहीं चाहते हैं, उसने गोदाम भर दिए खरीद के पानीपत में अपने चावल के और गेहूं के।
लेकिन किसानों का आपको लगता है कि जाटों, ज़्यादातर जाट आपने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे? देखिए, जाट पहले से कुछ बीजेपी में थे, लेकिन जयंत के जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, जाट डटा रहेगा। अभी तो देखिए 13 तारीख का किसानों का आंदोलन है, उसमें कुछ होगा और फिर जाट खड़े हो जाएंगे, लड़ाई होगी, तो जाट तो सतत लड़ता है। कल सदन के अंदर जब जयंत बोल रहे थे तो बहुत हंगामा हुआ, उस पर जगदीप धनखड़ भी खड़े हुए, कहते हैं कि भाई मैं तो गदगद। मैं जगदीप धनखड़ के लिए ऑनऑथ कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे बताया कि जब चरण सिंह जी की डेथ हुई तो ये राजस्थान में बार के अध्यक्ष थे, इनको ये प्रस्ताव लिखने के लिए इन पे जानकारी नहीं थी कि चरण सिंह कौन थे, तो इन्होंने दसियों लोगों से जानकारी ली तब प्रस्ताव लिखा। अब जगदीप धनखड़ चौधरी चरण सिंह के सिंपथाइज़र हो गए हैं और हर बात पे वो जाटों की बेइज्जती बता देते। जाटों की बेइज्जती आपका होना है, आपका कोई काम ऐसा नहीं है जिससे जाटों की इज्जत बढ़ती हो। कल भी उन्होंने एक बड़ा भावनात्मक सा मुद्दा उठा दिया कि देखिए मेरा बेटा, जगदीप धनखड़ ने खुद कहा कि मेरा बेटा बहुत जवान था जब उसकी मृत्यु हो गई थी, और आज जिस तरीके का कमेंट जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिंपली सदन में ये पूछा था कि भाई किस रूल के तहत जयंत चौधरी को बोलने की अनुमति दी गई है, उस पर धनखड़ साहब ने बवाल कर दिया और ये कहा गया कि बिल्कुल एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा लगता है कि चेयर को चुनौती दे रहे हैं, इस तरीके की। नहीं, पहली बात तो मैं उनको ये ऑन ऑथ कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, आपने मुझे ये कहा था कि नहीं कि चौधरी चरण सिंह के बारे में मेरी इतनी भी जानकारी नहीं थी जिस दिन उनका देहांत हुआ। मैं उनका, चूँकि वो अध्यक्ष थे, बार के प्रस्ताव लिखना था उनको, उसके लिए 10 लोगों से पूछ के लिखा था। अब ये चरण सिंह वादी बन रहे, क्या करें अब इस देश का। बीजेपी भी तो इतनी बड़ी चौधरी चरण सिंह वादी इस समय बन रही है? नहीं बन रही है, आप गलतफहमी में, सबको गलतफहमी। बीजेपी तो फिक्स कर देगी इनको, जो चरण सिंह का बचा खुचा उसको भी खत्म कर देगी। लेकिन जयंत को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि जयंत छोटे लालच में फंस गए हैं, उसको अब ओथ होती हुई दिख रही है। लेकिन क्या जयंत, मुझे नहीं लग रहा कि वो पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, अब नहीं पलटेंगे, अब तो नहीं पलटेंगे, उम्मीद बहुत कम है। क्या जयंत अब किसानों को मुंह दिखाने लायक बचे? अब ये तो समय साबित करेगा, जितनी मेरी जानकारी आ रही है किसान इसको गाली दे रहे हैं मुंह भर भर के। देखो, किसानों को एक पार्टी चाहिए देश में अपनी, और इसको ये अपनी एक सतह स्फूर्त कहिए या अपनी एक नेचुरल पार्टी मानते थे, उस पूरी पार्टी को आपने बेच दिया अपने आराम के लिए। लेकिन किसानों में भी बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर कि देखिए जयंत चौधरी वहां चले गए, अब किसानों का आंदोलन भी शुरू हो रहा है और जिस तरीके से भारत रत्न को प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है, चाहे वो एम एस स्वामीनाथन को हो, चाहे फिर चौधरी चरण सिंह को हो, बीजेपी का के लिए ये कितना टफ होगा? क्योंकि बीजेपी का लोगों का ये कहना है कि देखिए ये तो एक नई तरीके की पॉलिटिक्स ऑफ ऑनर है और हम तो देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइंस जाकर लोगों को वोट दे रहे हैं। बकवास करते हैं, कोई पॉलिटिक्स ऑफ ऑनर नहीं है, ये 10 दिन की बात है, इसके बाद भूल जाएंगे सब लोग और बीजेपी अपने पुराने रास्ते पर चल देगी जो एंटी फार्मर रास्ता है। लेकिन मोदी जी की मंशा क्या थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की या फिर एम एस स्वामीनाथन को? कुछ तो उनके दिमाग में रहा नहीं, उनका रहा है, वो भी किसान नेता होने का सपना देखते हैं कि मैं भी किसान नेता हूँ। क्या मोदी जी कभी चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं? चौधरी चरण सिंह तो इनमें से कोई नहीं, उसके लिए तो बेसिक ईमानदारी की जरूरत होती है। लेकिन मलिक साहब, आपको लगता नहीं है कि ठीक है बड़े छोटे फायदे के लिए, आपने खुद भी कहा कि एक बहुत छोटी लालच में वो एनडीए के साथ चले गए जयंत चौधरी, आज क्या उन्होंने अपनी दादाजी के भारत रत्न के लिए बहुत बड़ा देश के साथ सौदा कर लिया? नहीं, भारत रत्न का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चरण सिंह डिजर्व करते थे, उनको पहले से मिल जाना चाहिए था, और अगर मिल गया था तो उसके बदले में कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी बार बार अपने दादाजी की दुहाई देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे सौदा हो सकता है, सौदा किया हो। लेकिन ऐसे सौदेबाजी को क्या कहेंगे? ये तो मतलब तकलीफ दे है और बहुत बुरी बात है। आप जयंत से क्या बोलेंगे इस समय? मेरे से बात हो तो मैं यही कहूंगा कि बेटा तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये नहीं करना चाहिए था, और हो सके तो अब भी निकल आओ, हम तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं, तुम्हें हम कहीं तक ले जाएंगे जहां तक तुम नहीं सोचते, और तुम जरा सी चीज पे चले गए। लेकिन आपको लगता है कि आपका फोन भी अब उठाएंगे जयंत चौधरी? ना, नहीं उठाएंगे जो उसकी बनावट है उसमें फोन नहीं उठाएंगे।
उन्होंने तो जर्नलिस्ट के फोन भी उठाने बंद कर दिए, हमेशा मेरा फोन उठाया करते थे। मैं उनको बहुत टाइम से इंटरव्यूज के लिए भी ट्राई कर रही थी, उन्होंने फोन उठाया नहीं, और तभी से ही गड़बड़ लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं था कभी कि वो फोन में ना उठाए। लेकिन आपको भनक जब लग गई थी तो आपने जयंत चौधरी को आगाह क्यों नहीं किया? मुझे तो भनक लग गई थी कि जा रहे हैं, उस वक्त सर फोड़ना कोई ठीक काम नहीं था, तो आपको लगा कि ठीक नहीं है उनको रोकना? रुकेंगे नहीं वो, तो जब रुकेंगे नहीं तो इसका मतलब फिर तो कोई उम्मीद भी नहीं बची कि वो वापस आ सके। ये तो मैं एक पब्लिक परसेप्शन के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। आज आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन वाकई में कमजोर हुआ है, एक और विकेट डाउन हो गया एक तरीके से? इंडिया गठबंधन कमजोर अपनी हरकतों से हो रहा है, इससे कुछ नहीं उसका बिगड़ता। इंडिया गठबंधन अगर सड़क पर कूद जाए, संघर्ष करे, तो कुछ नहीं बिगड़ता उसका। ये जो व्यक्तियों का इधर उधर होना, उससे कोई सिस्टम में खराबी नहीं आती है। लेकिन जयंत चौधरी कल जिस तरीके से सफाई दे रहे थे, और बार बार उन्होंने कहा कि देखिए इसको गठबंधन को जोड़ने या तोड़ने से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, वो बार बार उन्होंने इस बात को कहा, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं जयंत चौधरी के कहने पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्यों? हो गया, जितना मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का मोदीकरण हो गया है? मोदीकरण क्या, जयंत चौधरी ने अपने आप को खत्म कर लिया, बर्बाद कर लिया, बेच दिया। And now there's no return. आपको नहीं लगता कि ना? मुझे नहीं लगता। लेकिन भविष्य क्या है जयंत? आएंगे जब इनको वहां ठीक करेगी बीजेपी, तब आएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसी रहेगी इनके लिए, बीजेपी जिसको साथ लेती है उसे फिक्स भी करती है। लेकिन जब आएंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो। किसानों को कैसे फेस करेंगे ये अभी चुनाव में? इनको क्या फेस करना है, इनको तो जो बीजेपी दे देगी वो लेके आराम से बैठ जाना है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर लोकसभा के चुनाव होंगे तो पहली बात तो लोकसभा ये लड़ेंगे नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार में तो जाएंगे तो सब जगह गाली खाएंगे मनोज। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनको गाड़ियों से उतरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा? भाई अभी एक महीना पहले ये स्मृति ईरानी गई थी मुजफ्फरनगर के गांव में, इसको दौड़ा दिया था लोगों ने, बेटे पानी दे दो। आप वही हश्र आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का भी हो सकता है जी। लेकिन सर लास्ट में फिर से पूछूंगी एक बार कि क्योंकि इस चीज को लेकर काफी हलचल हो रही है कि भारत रत्न का को किस तरीके से मोदी जी ने ट्रिबलाइज कर दिया है, उसका राजनीतिकरण कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रसाद की तरह बट रहा है इस समय, ये अच्छा नहीं लग रहा लोगों को। पब्लिक इसको कैसे लेगी? पब्लिक ऐसे ही ले रही है, अरे यार ये तो एक पवित्र चीज थी, ठीक से देते लोगों को, इसमें तुम जयंत को तोड़ रहे हो, किसी को तोड़ रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है। 13 तारीख को जो किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, तो क्या उस डर से भी मोदी जी ने सोचा होगा कि चलो भाई MS स्वामीनाथन को भी दे दो? नहीं, तो उस डर से देना था तो MS स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करते, बजाय MS स्वामीनाथन को ये भारत रत्न देने के, उनकी सिफारिशों को लागू करो जो डिमांड है अपोजिशन की। वो तो किया नहीं आपने, अभी भी करो, कोई देर नहीं हुई है। लेकिन कल जब स्टेटमेंट दे रहे थे जयंत, तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न देने से मैं जानता हूं कि जो समस्याएं हैं किसानों की वो खत्म नहीं हो जाएंगी, इस बात को उन्होंने कहा है। लेकिन साथ में उन्होंने फिर से चौधरी चरण सिंह की लेगेसी, मोदी सरकार की कार्यशैली, चरण सिंह की कोई लेगेसी मोदी सरकार के पास नहीं है। अगर किसी के पास है तो अखिलेश के पास है, किसी के पास है तो वो जयंत के पास थी, और कर्पूरी ठाकुर के पास थी, मुलायम सिंह के पास थी। इनके पास कहाँ से है चरण सिंह की लेगेसी? चरण सिंह तो उस परंपरा के हैं। लेकिन मोदी सरकार तो अब अपना पीठ थपथपाएगी बोल के कि देखिए मैंने दिया। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करेगी। इसको मारना था, इसको निकाल के ले लिया। अब लोग कहते रहे मोदी कोई चरण सिंह का पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जिंदगी में। लेकिन आप शर्मसार हैं जयंत की इस हरकत से? मैं क्यों शर्मसार, तो जयंत को होना चाहिए, पर मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं उसके लिए सपने देखता था। मैं चाहता था इस लड़के को बढ़ाएंगे, उसके पास चरण सिंह की थाती थी। तो क्या चरण सिंह की जो लेगेसी थी, क्या वो जयंत भी नहीं समझ पाया? जयंत का उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। चरण सिंह की जो लेगेसी थी उसमें संघर्ष था किसानों के लिए, ये तैयार नहीं था उसके लिए।
उनको आराम की जिंदगी जीनी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, मंत्री बन जाओ, छोड़ो। आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी कि जयंत का भविष्य अब क्या है, अगले 6 महीने के अंदर आप क्या देख रहे हैं उनके साथ? 6 महीने के अंदर मैक्सिमम उसको कोई रिडेंडेंट किस्म की मिनिस्ट्री दे दी जाएगी और वो आराम से रहेगा, दौरा करेगा, बाहर घूमेगा। कोई क्रिटिसिज्म नहीं किसी चीज को? कुछ नहीं, जनता में जाने से भी कोई मतलब नहीं, जनता में जाएगा ही नहीं वो। अब जनता में तो राज्यसभा बनने के बाद ही नहीं गया, तो जनता भूल भी जाएगी फिर जनता तो भूले हुए ऑलरेडी, भाई जनता गाली देने के लिए याद रखेगी इसको कि इसने हमारे साथ धोखा कर दिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सत्यपाल मलिक जी, और क्या है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।